सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और यहाँ पे हम बैटल करने वाले हैं वाटर टेंपल का जो अगला बॉस है, तो इसका नाम है गैंग मेंबर। तो आप देख सकते हो ये रहा, जैसा कि मैंने आपसे पहले पिछले वीडियो में बोल दिया था कि हमारा अगला बैटल इसके साथ होगा, तो ये रहा वो, आप देख सकते हो। तो गाइस अब ये रहा, आप देख सकते हो आपके सामने ये बॉस। अब हम चलते हैं बैक। सो अब मैंने टीम चेंज कर लिया है और ये रहा ओरक्वा। तो ओरक्वा इज 34 लेवल। ओके गुड, सो वेट अ मिनट, पहले मैं बंकर पर ही लूँगा ताकि मैं अपना डिफेंस रख सकूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरा डिफेंस है अभी, और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ स्क्रैच अटैक। भाई कितना कम डैमेज दिया यार, ये तो होना ही था क्योंकि हर जगह अभी यही हाल है। क्या कहें, क्या करें, क्या सुने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अटैक इंक्रीज है, एनर्जी ले लेता हूँ थोड़ा सा और अटैक को मैं बूस्ट कर देता हूँ। ओके फाइन, इसने आइस शील्ड, भाई इसने अपने डिफेंस को बूस्ट कर दिया। लो अब यही होना बाकी था, अब स्टैटिक शॉक यूज़ करता हूँ। भाई सही, बहुत सही यार, अच्छा किया तूने, इसको सिकनेस दिया। भाई मुझे मत देना प्लीज़। ओह बच गया, बाल बाल बच गया मैं। ओके फाइन, सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर से थंडर। भाई अबे वो बैल, इसलिए बोलते हैं बैल को साथ में लेके नहीं चलना चाहिए, बैल के पास अकल नहीं रहता है, बेकार होते हैं सब, नल्ले होते हैं सब। अरे यार अच्छा खासा थंडर ब्लास्ट यूज़ करता, अच्छा खासा इसका डिफेंस गिर गया था, फिर इसने फ्रोजन मिस्ट यूज़ कर दिया। लो मेरा अटैक इसने पूरा ख़त्म कर दिया। इस बैल को तो कुछ भी अकल है ही नहीं। रुक जा यार बैल, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे खेलना चाहिए, रुक। ये वैसे ओरक्वा स्ट्रांग तो है डिफेंस में, अटैक में भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अटैक करने नहीं दे रहा हूँ। भाई ओ यार, ये तो मेरा अटैक या फिर डिफेंस पे ही हमला कर रहा है बार बार। हेल्थ से इसको कोई मतलब ही नहीं है, बस मेरे अटैक पे इसको वार करना है और मेरे डिफेंस पे, बस सही है, बस इतना अगर ये कर लेगा तो ये जीत जाएगा मैच। हाँ गुड स्ट्रैटेजी। ओके फाइन, सो वैसे ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये यूज़ कर रहा है, इसके पास दिमाग भी है गैंग मेंबर के पास, वाकई में फावड़ा चला रहा है वैसे तो ये। क्यों बे फावड़ा चल रहा है क्या तुझसे? अरे यार मार दिया इसने थॉरंडर को, बहुत ही बुरा मारा है, थॉरंडर गंदा पिट गया। मैं डिफेंस यूज़ कर लेता हूँ, कोबाल्ट को पहले डिफेंस की ज़रूरत है, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपना वाटर ब्लास्ट। आई थिंक वाटर ब्लास्ट नहीं, वाटर ब्लास्ट यूज़ कर लेता हूँ अगर ये जिंदा बच गया। ओ माय गॉड यार, अबे क्या है बे, तू बैल है क्या, इतना ज़्यादा पावर, किस काइबर्स साइबर्स, ओ साइबर्स वाओ गुड। अरे यार मस्त है यार देखने में तो, ये भी देख रहे हो हाथ, देखो कैसे भाई लग रहा है कुश्ती लड़ने जा रही है, और नीचे से वो गन जैसा है कुछ, वाओ बढ़िया है डिज़ाइन तो वैसे। ओके फाइन, सो मेरा फ्लैम्बोर अभी है, इसीलिए मैं फ्लैम्बोर को लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ तू शाणा है, तू बहुत बड़ा शाणा है। रुक जा शाणे, अभी तुझे दिखाता हूँ, रुक। वॉल्केनो कैसा लगा झटका? स्पार्क्स भाई साहब, स्पार्क्स मत यूज़ करिए, बहुत दर्द हो रहा है। रुक जा भाई, पावर पर लेता हूँ अब, और अब मैं इसको दिखाता हूँ असली वॉल्केनो किसे कहते हैं, देख देखो और सीखो। साइबर्स के कहीं, अरे भाई साहब इस साइबर्स को जिंदा मत छोड़ियो, कोई भी पकड़ के मारो पहले इसको। रुक जा रिचार्ज, अरे यार इसको रिचार्ज मूव नहीं देना चाहिए था इसके एवोल्यूशन में। इस गधे को एक तो पहली बात ही वैसे ही बहुत ज़्यादा रिचार्ज कर, अरे यार डायरेक्ट हिट भी है इसके पास, अब तुझे दिया कौन है वे डायरेक्ट हिट और रिचार्ज, भाई बहुत ही तगड़ा डैमेज देगा अब ये मुझे डायरेक्ट हिट। अरे बच गया मैं बच गया, जल्दी हील्स पे यूज़ कर भाई, नहीं तो मार देगा तुझे। रुक जा पांच मूव्स यूज़ करने दे, बस पांच मूव्स मैं तुझे मार दूंगा, एक मूव मैंने यूज़ कर दिया है, रुक जा भाई सोनिक। अच्छा मुझे लगा डायरेक्ट हिट यूज़ कर रहा है, अब अगला डायरेक्ट हिट ही आने वाला होगा आई थिंक। एमिंग बढ़ गया मेरा, स्पार्क्स भाई अच्छी बात है, डायरेक्ट हिट को बचा के रखियो, अच्छे से संभाल के रखियो, पॉकेट के अंदर रखियो, बाहर मत निकालियो, बहुत ही डेंजर है वो। अरे यार मैंने शायद चार अटैक किए हैं अभी, और इसने मेरा हेल्थ फिर से डाउन कर दिया, लेकिन अपने पास भी हील स्प्रे की कोई कमी नहीं है, हील स्प्रे भर भर के अपने पास।
अरे यार डायरेक्ट हिट बस एक मूव के लिए रख लेता भाई, गुस्सा क्यों हो गया, अब कर लेता तू। ओ वाव रिप्टोर रेक्सारो का एवोल्यूशन है ना, सही है, डायनासोर पे बेस्ड है वैसे, अच्छा है। पहले से तो बहुत अच्छा है यार, वाकई में पहले बहुत ही बेकार डिज़ाइन दिया गया था इसको रेक्सारो को, एक छोटा सा क्या बोलते हैं यार उसको, छोटा सा टॉय रोबोट की तरह दे दिया गया था उसका डिज़ाइन, बहुत ही गंदा दिख रहा था। नो हेट नो हेट, डायनामोन से हेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसका डिज़ाइन बता रहा हूँ डिज़ाइन के बारे में। और अब ठीक है, अब थोड़ा उससे बेटर है। ओके हरिकेन फ्लेम्स भाई रुक जा यार, डैमेज बहुत तगड़ा दे रहा है तू मुझे, एक सेकंड पॉइजन बाइट करता हूँ और विंटर चिल्स कर लेता हूँ। हाँ यार सही रहेगा, विंटर चिल्स करते हैं, विंटर चिल्स विंटर चिल्स विंटर चिल्स विंटर चिल्स विंटर चिल्स हिल स्प्रे ले लेता हूँ पहले, और ये रहा मेरा विंटर चिल्स। और अब तुझे दिखाता हूँ अटैक को कैसे डाउन करने का, एमिंग को कैसे इंक्रीज करने का और अवलांच यूज़ करके कैसे डिफेंस को खींच लेने का नीचे, और वो भी क्रिटिकल देखो और सीखो। अरे यार पॉइजन बाइट यूज़ कर दिया इसने, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी मैच बहुत कम बचा है, थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा मैच, टेंशन नहीं है। ठीक है दो मूव यूज़ करने दे बस। शिट स्मोक स्क्रीन यूज़ किया इसने, भाई इसके पास हील फायर तो नहीं है ना, हील फायर होगा तो ये मुझे गंदा मारेगा, बहुत ही बुरी तरीके से मेरा हेल्थ खींच लेगा ये। बच गया मैं, बच गया यार मैं, बच गया। ये ले जा छुट्टी पे जा, देखा तुम जीत गया, ऑसम म्यूजियम जानता हूँ मैं जी, और ये फ्लैम्बो का एक्सपी ऑलरेडी था। वाओ रिवॉर्ड आ चुका है 750 शार्ड्स 20 कॉइंस 3 डिस्कैचेस, वाओ ओके गुड। और तो आप देख सकते हो मैं अब थोड़ा और अब कूल दिख रहा है। ओके वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।